अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये है अरबिक आई मेकअप और कैट आई मैंने यहाँ पे बनाई। तो मैंने कहा स्पेशली आपको इसका आईलाइनर लगाना सिखाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये आईलाइनर हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल हर किसी का लाइनर लगाने का अपना तरीक़ा होता है। मैं आई के कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ और अगर काशीज़ वाला स्टाइल होगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको सिखाऊंगी। वो थोड़ा सा आई के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो बहरहाल मैंने बिल्कुल आई ओपन करवाई, उसका जो कॉर्नर है वहाँ से मैंने पॉइंट बनाया और पॉइंट बनाने के बाद उस लाइनर की लेंथ को आप जितना आईब्रोज तक लेके जाना है अब वहाँ तक वो लेकर जाएंगी। और लेकर जाने के बाद आप फिर कॉर्नर से उसको कनेक्ट करना शुरू करेंगी जिस तरह मैंने शुरू किया है। कॉर्नर जब आपका डन होगा तो आप इसको मिडिल पर लेकर आएंगी और मिडिल पर जब आपकी लाइनर उससे कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप यानी कि आईलाइनर लगाने में हमेशा ग्रेजुअली आगे बढ़ें। यानी आई को 3 से 4 हिस्सों में आपको जो है वो शेपिंग करनी है तो अच्छी लाइनर एक फिनिशिंग वाली लाइनर लगेगी। तो यहाँ पे मैं जेल लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक्वा लाइनर से कर सकती हैं, क्रायलॉन की एक्वा, क्योंकि जेल लाइनर ऑफकोर्स हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता और क्रिस्टन के लाइनर से भी कर सकती हैं। बस ये कि आप एक्वा का लाइनर यूज़ करें या क्रिस्टन का लाइनर यूज़ करें आपको सीलर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पेन लाइनर हो या जेल लाइनर हो उसमें आपको किसी सीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आप इसको एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं और ये आँखों में भी चला जाए, लाइक हम इनर आई पे जैसे लगाते हैं काजल की तरह, तो हम वो भी लगा सकते हैं। पानी नहीं वो होता, वाटरप्रूफ होता है। तो इस तरह से आप अपने लाइनर को बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं जेल लाइनर के थ्रू, लेकिन किसी भी लाइनर को लगाने की का तरीका यही है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ये आजकल अरबिक आईज़, आप इंस्टा पे आपने कंटिन्यूस देखा होगा कि आई को बड़े डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई मेकअप को। तो ये कुछ इस तरह से हमने क्रीज लाइन पे एक लाइन बनाई है और उसमें ग्लिटर की फिलिंग की है, आउटर कॉर्नर पे ग्लिटर की फिलिंग की है। आई मेकअप एक ट्यूटोरियल मैंने इसी के का बना रखा है तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आपको छोटी सी वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप वीडियो को बहुत स्किप कर कर के देखते हैं और मेरी रिकमेंडेशन नहीं जा रही है, तो प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।